क्या ये सिर्फ दोस्ती है या है प्यार? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एली गोनी और जासमीन भसीन की। चलिए आपको बताती हूँ पूरी बात इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत हर दिल भारत। बिग बॉस 14 के घर की अगर मैं बात करूँ तो जासमीन भसीन जब शुरुआत में उनके आंसू छलक जाते थे छोटी छोटी बातों पर, तब एली गोनी जो बाहर थे, बिग बॉस 14 के घर के बाहर थे, तब वो रह नहीं पाए और वाइल्ड कार्ड एंट्री करके आते हैं एली गोनी। और उनके आने के बाद से ही बात की जाए जासमीन भसीन की तो वो बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। वो शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रही हैं और एक कॉन्फिडेंस आ गया है उनके अंदर। तो ये जो दोनों की दोस्ती है, दोनों एक दूसरे से, मतलब हर घर में सबको यही कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी एली पे कोई बात आती है तो जासमीन सामने आ जाती हैं, तो जासमीन पे कभी बात आती है तो एली खड़े हो जाते हैं चट्टान की तरह। तो इस तरीके से दोनों का जो ये रिश्ता नज़र आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये प्यार है भाई, तो दूसरों तो कुछ कह रहे हैं ये दोस्ती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, कल के एपिसोड की अगर बात करूँ तो राहुल वैद्य जो हैं वो जासमीन भसीन के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बातें निकले जासमीन के मुंह से कि आखिरकार ये सिर्फ दोस्त हैं या फिर कुछ प्यार व्यार वाला कुछ सियापा है या नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि राहुल वैद्य बात करते हैं तो जासमीन कहती हैं कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ जी रही थी, खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन जब एली गोनी की एंट्री होती है तो मैं अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने लगी हूँ और बहुत अच्छे से जी रही हूँ। फिर आगे राहुल कहते कि तुम प्यार व्यार करती हो, कुछ ऐसा है? तो वो कहते नहीं बाबा, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं ये सारी चीज़ें कर दूँ तो मैं अपने अच्छे दोस्त को ही खो दूँ। तो ये कहती हैं जासमीन भसीन। तो फिर इस पर राहुल कहते कि तू येड़ा बन के पेड़ा तो नहीं खा रही है, ऐसे कहते हैं। तो हंसती हैं जासमीन और कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दोस्त है और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हमारी दोस्ती की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर दूसरी तरफ राहुल कहते हैं कि सोचो अगर उसके लाइफ में कोई लड़की आ गई, वो आगे कोई लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो फिर क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, जेलस फील नहीं होगा? तो जासमीन कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की अच्छी रहेगी, परफेक्ट रहेगी तो मुझे तो दिल से खुशी होगी, मैं जेन्युइनली खुश होंगी कि मेरे दोस्त को बहुत अच्छी लड़की मिल गई है। तो फिर राहुल कहते हैं कि तुम्हें फिर अटेंशन नहीं देगा, तुम प्रायोरिटी में नहीं रहोगी। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें कहती हैं। फिर राहुल वैद्य गाना गाने लगते हैं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। और जो जासमीन है वो हल्का सा रोने जैसी हो जाती है, कहती है कि मत गा क्योंकि नॉमिनेशन वीक है तो मत गा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्वर्जेशन दोनों के बीच में होता है, लेकिन सच्चाई तो सामने नहीं आती है, नहीं आ पाई। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो दोनों की दोस्ती आपको ज़्यादा लग रही है या फिर प्यार ज़्यादा लग रहा है, दोनों के रिश्तों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।